हेलो स्टूडेंट्स, अभी इसके प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि हम अपने घरों में सीरीज वायरिंग सिस्टम का यूज क्यों नहीं करते हैं, उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। अब लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि पैरेलल वायरिंग सिस्टम क्यों यूज करते हैं, उसके क्या एडवांटेज हैं। तो आप देखिए, पहले तो मैं बता दूं, अगर हम पैरेलल वायरिंग सिस्टम घरों में यूज करेंगे तो जितने भी अप्लायंसेज हम कनेक्ट करेंगे सबको सेम सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट मिलेगा और सब अपने अपने मैक्सिमम वोल्टेज से ऑपरेट करेंगे। दूसरी बात, सारे अप्लायंसेज इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे। अगर कोई एक अप्लायंसेज आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है या खराब हो जाता है तो बाकी अप्लायंसेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, जैसे जैसे हम अप्लायंसेज को ऑन करते जाएंगे टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का डिक्रीज होता जाता है, अगले अप्लायंसेज के लिए जो भी करंट रिक्वायरमेंट है वो मेन सप्लाई से आती जाएगी, पहले से ऑपरेट हो रहे अप्लायंसेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन्हीं रीजन से हम अपने घरों में वायरिंग जो है वो पैरेलल सिस्टम में करते हैं, सीरीज में नहीं करते हैं। तो सीरीज की और कुछ ड्रॉबैक बची हैं, आइए देख लें। ऑल द अप्लायंसेज वर्क साइमल्टेनियसली whether we want them to work or not, so there is a lot of wastage of power. Means अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो सारे अप्लायंसेज एक साथ वर्क करते हैं, चाहे आप उनको यूज करना चाहें या ना करना चाहें, ढेर सारे आपकी पावर वेस्टेज होगी, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। If we switch off any one of the appliances, the circuit is broken and all other appliances will stop working. अगर सीरीज में कनेक्ट है वो अप्लायंसेज, किसी एक को हम स्विच ऑफ कर दें तो बाकी स्विच ऑफ हो जाएंगे, ये भी सीरीज के डिसएडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज जो सीरीज के हैं वो आपके ये फोर हैं, कुछ अभी पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, कुछ इसमें डिस्कस किया। अब हम देखते हैं कि पैरेलल अगर कनेक्शन हम लोग करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन के एडवांटेज क्या हैं, क्या बेनिफिट हैं अगर पैरेलल में वायरिंग की जाती है। तो एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द अप्लायंसेज इन पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या एडवांटेज हैं। ईच अप्लायंसेज गेट कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट सप्लाई फॉर इट्स नॉर्मल वर्किंग। जितने भी अप्लायंसेज हैं वो 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट हो जाते हैं और वो अपनी नॉर्मल जो है वर्किंग करते हैं। Each appliances operates independently without being affected others and others operator or not. Means हर एक appliances independently work करते हैं और वो इस बात पर depend नहीं करता है कि other appliances work कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, parallel order में जैसे जैसे आप घर के appliances on करते जाइए वैसे वैसे overall circuit का resistance decrease होता जाता है और main से आने वाली current increase होती जाती है, पहले से operate हो रहे अप्लायंसेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो ये रहा आपका डोमेस्टिक सर्किट, रिंग सिस्टम और ट्री सिस्टम, पैरेलल वायरिंग, सीरीज वायरिंग, एडवांटेज ऑफ पैरेलल सिस्टम, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सिस्टम, ये सारा डिस्कशन हम लोगों का रहा। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग जो है न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, और न्यूमेरिकल को करने के बाद फिर हम आएंगे चैप्टर 5 आपका है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सोर्सेज पढ़ेंगे, उनके ड्रॉबैक पढ़ेंगे, उनके एडवांटेज पढ़ेंगे, और रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हम डिफरेंट एनर्जी सिस्टम एनर्जी सोर्सेज के विषय में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 के साथ आपका ये फिनिश हो जाएगा। ओके।